अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास। मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक गाना है, मेरी तरह। इसका टीजर दो दिन पहले आया था, गाना भी रिलीज हो चुका है कल का। मेरी तरह ऑफिशियल वीडियो जुबन मुत्याल अपनी आवाज़ और अपने सुरों के रंग बिखेरेंगे। पायल देव और गौतम गुलाटी। अच्छा, आप गेस कर रहे हैं या पढ़ा कहीं पर? अच्छा, ठीक हो गया। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं। मांची खाना? हाँ जी, सॉरी आपको कोई मसला नहीं, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये तो मेरे लिए सरप्राइज है यार। अच्छा, हिमांशी खन्ना, गौतम गुलाटी, क्या बात है यार, मैं बड़ा बिग फैन हूँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैसेज को सब्सक्राइब वाला एंड पे इंशाल्लाह। 1 2 3 एंड स्टार्ट। जुवन इसे ले रहा है हर गाने में ना, इस क्या नाम है इनका, वो लड़के का, ये इसका। दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर जाने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। तू सोच समझ कर चाहो से एक दिन मुझसे मिलवाओ से, मैं भी तो देखूं प्यार में वो क्या कर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है? क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है? क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है? क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है? हंस के मर सकता है। बहुत फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। तुम गलियों में अपनी बुलाओ जरा मेरे, जितने कांटे बिछाओ जरा, बिना उफ़ क्या इन पे वो भी गुजर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है? क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है? क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है? क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है? अब याद रखेगा कौन किसे ये वक्त तुम्हें कर लेने दे, कर दे खुशियों की बारिश उस पर आंख मुझे भर लेने दे। ना शोर हुआ आवाज हुई जब जब दिल सच्चा टूटा है, पूछो सबसे सब को अपने कहने वालों ने लूटा है। ना आस है ना सांस है, हम भी पत्थर हो जाएंगे, तुम हो जाओगे रोके हम तो खुद के ही ना।
मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि मैं सोच रहा था कि कहीं सैड एंडिंग ना हो जाए, लेकिन हैप्पी एंडिंग हो गई है। इसकी वजह यह कि दो लवर आपस में मिल गए हैं। यार मुझे एक बात की जो है वो बिल्कुल भी जो है ना वो समझ नहीं आ रही, बॉलीवुड जो फिल्में हैं उनसे ज़्यादा जो गैर मतलब फिल्मी गाने वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब ये फिल्म का गाना नहीं है, ये जुबन उत्याल की प्रोडक्शन है, ठीक है, टीसी से गाना रिलीज़ हुआ है। और हालांकि फिल्मी गाने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, लेकिन गैर फिल्मी अब सिंगल ये सिंगल गाना है ना, एल्बम जो है सिंगल है वो ही ना, सिंगल गाना है, सिंगल गाना है। और जुबन उत्याल वो एक वो जो लिखते हैं जो राइटर हैं जी, वो एक पहले जेन में बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं इस तरह होते हैं, छोटी शॉर्ट मूवी होती है एक टाइप की, ये भी मेहनत तो है। जुबन उत्याल महीने में गाना तकरीबन दे देते हैं, हाँ जी महीने में एक दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक गाना उनका मस्ट होता है। और आवाज यार आवाज बहुत अच्छा है, मैं सही बात अरे मीठी सी आवाज है, मीठी सी आवाज मतलब, और गिटार का यूज ज्यादा करते हैं अपने हर गाने में, हाँ क्योंकि गिटार वो खुद भी बड़ा शब्द करते हैं, क्योंकि उनको मैंने मतलब लाइव भी जो है वो लाइव स्ट्रीम पे भी आते हुए मैंने देखा हुआ है, मतलब फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, तो मतलब वो अपने जो अनप्लग गाने देते हैं जब वो रिकॉर्डिंग से हट के करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।